साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे यूपी की लैपटॉप योजना के बारे में। ये योजना क्या है, इस पर कई लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं, तो इसलिए इस पर एक छोटी सी वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये फ्री लैपटॉप योजना है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत लगभग 20 लाख लोगों को जो है फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। इसके लिए करना क्या है, कौन इसके लिए पात्र होगा, इसके लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 जो बच्चे 2021 में पास कर चुके हैं उनको ये फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। उसके अलावा इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चा यूपी बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात है कि बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 65 यानी 65% से अधिक होने चाहिए। और तीसरा जो सबसे अहम है वो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसमें अन्य जो बोर्ड हैं, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड, इन बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसके साथ साथ एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चा 65% से अधिक नंबर पाया हो और किसी कॉलेज में दाखिला ले चुका हो। अगर वो इंटरमीडिएट पास कर चुका है तो किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले चुका हो, चाहे वो IIT कर रहा हो या वो डिप्लोमा कर रहा हो या वो ग्रेजुएशन के लिए या फिर अन्य कोई कोर्स कर रहा है, उसको ही ये जो है योजना से आच्छादित किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1800 करोड़ का बजट भी मंजूर कर लिया है। और इसमें वही बच्चे पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो दस्तावेज में सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तीसरा जो है 10वीं तथा 12वीं की मार्कशीट, यानी 10वीं और 12वीं की आपको मार्कशीट लगानी पड़ेगी, और आपका जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, और आपको एक मोबाइल नंबर देना है जिस पर OTP आएगा। दूसरा, अब आपकी बात आती है कि यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करें। तो उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है upcmo.up.nic.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो इसमें जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उन सभी को, जिनके मार्क्स 65% से अधिक हैं, उन सबको बारी बारी से ये जो है 20 लाख युवाओं को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जो है ये फ्री लैपटॉप देकर के उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके और अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए, कंप्यूटर से जुड़ने के लिए योजना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।